हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन की मदद से हम एक प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से। तो वीडियो पे बने रहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारा एडिटिंग का ऑप्शन है। ये इसके टूल्स हैं जिनकी मदद से आप एक प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो अपने मोबाइल फोन से। क्या है, आपको यहाँ पे देख सकते हो थ्री डॉट का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ इमेज साइज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो कस्टम ऑप्शन दिखाई पड़ा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये रेडी हो चुका है। तो अब सिंपली करना क्या है, ये न्यू टेक्स्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ा है, इसको हम सिंपली डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों अब सिंपली करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से कलर ऑप्शन हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मैं बैकग्राउंड कलर जो है येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जो कुछ भी मटेरियल मैं इसमें यूज करूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से इजीली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली करना क्या है, यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में हम यहाँ से वो टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, कुछ ये वाला टेम्पलेट मैं सेलेक्ट करता हूँ। दोस्तों मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों रोटेट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ इसको कुछ रोटेट कर लेना है, इसको इस तरह से। दोस्तों इसको कुछ इस तरह से हम बड़ा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर लिया। आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको लॉक कर देना है, जिससे ये अपनी जगह से हिले डुले ना। तो दोस्तों यहाँ सेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ सेप्स, ये वाला सेप्स कुछ लेंगे, कुछ इसको इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सिंपली इसको इस तरह से। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सिंपली मैंने इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया। सिंपली अब इसको डन कर लेंगे। अब यहाँ रोटेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेंगे। तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से, इसको सिंपली डन कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो बन चुका है। आप सिंपली इसको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्क्रॉल करके ऊपर कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये ऊपर आ चुका है, आप सिंपली इसको लॉक कर देना है, जिससे अपनी जगह से हिले डुले ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे साइडो वाला ऑप्शन इनेबल कर देंगे, यहाँ डन कर देंगे सिंपली। दोस्तों यहाँ पे हम अपनी डीपी लगाएंगे, तो सिंपली करना क्या है, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मैं अपना तो यहाँ सिंपली डन कर लेंगे कुछ इसको इस तरह से। इस पर दोस्तों हमें फिक्स कर लेना है, यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हमें क्या कर देना है, लॉक कर देना है। और यहाँ पे साइड वाला ऑप्शन जो है इसको इनेबल कर देंगे, तो ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा दोस्तों। यहाँ सिंपली डन कर लेंगे। दोस्तों सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपने वीडियो रिलेटेड यहाँ पे टाइटल देंगे हम। तो दोस्तों ए वाले ऑप्शन पे जाके टेक्स्ट का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, तो सिंपली आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। आप सिंपली इसको रोटेट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सिंपली रोटेट वाले ऑप्शन पे जाके इसको कुछ -2 डिग्री पे इसको रोटेट कर लेंगे। दोस्तों अब सिंपली करना क्या है, फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ हम फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ। तो मैंने ये फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। मैं दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ये फॉन्ट अच्छा लगता है तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसको कलर में करना है। तो कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइटल टाइप कर लिया है। अब सिंपली करना क्या है, यहाँ पे कुछ और ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको टाइप कर लिया। अब सिंपली डन कर देंगे, इसको थोड़ा कुछ बड़ा कर लेंगे, इसको सिंपली थोड़ा रोटेट कर लेंगे -2 पे। अब सिंपली इसको कलर में कर लेंगे दोस्तों यहाँ से। अब सिंपली क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है। तो दोस्तों अब सिंपली करना क्या है, यहाँ पे हमें अपने यूट्यूब का लोगो यहाँ पे ऐड करना है। तो लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से और इसको सिंपली इस तरह से कुछ छोटा कर लेता हूँ। सिंपली कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन दोनों को हमें लॉक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और हम ऐड करेंगे, टेक्स्ट वाला ऑप्शन लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सिर्फ 2 मिनट में। तो सिंपली दोस्तों इसको कुछ बड़ा कर लेना इस तरह से, इसको भी हम रोटेट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको रोटेट कर लिया। अब सिंपली डन कर देंगे, यहाँ पे फॉन्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसका भी हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे, कलर में करेंगे। तो कलर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके अब सिंपली डन कर लेंगे, यहां स्टोक वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल करेंगे।
तो दोस्तों सिंपली मैं इस पे एक और लोगो ऐड कर लेता हूँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन का, तो फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ से मैं यहाँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन का जो लोगो है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली अब करना क्या है, इसको मुझे छोटा कर लेना है दोस्तों। तो सिंपली अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम साइड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे जा करके। तो दोस्तों यहाँ से मैं ये वाला थंबनेल सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे एक थंबनेल और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो सेम वैसे ही करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपना थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों सिंपली अब इसको क्या करना है, रोटेट कर लेना है इसको। अब सिंपली करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ सेव एज इमेज का ऑप्शन है इस पे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टम ऑप्शन है इस पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट